रोड पे यहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक अब्दुल गनी मेमन, ये वो ताजिर रहनुमा है जिसने जुबली मार्केट के लिए मुसलसल जद्दोजहद की, लेकिन वही ताजिरों के साथ वो वाला रवैया इख्तियार किया गया, माजत के साथ उसको घसीट के गाड़ी में इस तरह डाला गया जैसे कि जराइम पेशा अफराद को डाला जाए। उस वक्त बहुत ही अफसोस की बात हुई थी, बहुत से लोगों ने सरापा एहतजाज हुआ, लेकिन वो किसके लिए? वो अपनी दुकान बचाने के लिए नहीं, पूरी मार्केट को बचाने के लिए। उसके लिए कहा गया था कि भाई कुछ हमें मोहलत दो, टाइम दो और वक्त दो, तो ताकि हम लोग कुछ अपने बुढ़िया बिस्तर आगे पीछे कर सकें। बहरहाल वो भी दिन दे, वो भी निकल गए, कभी के दिन बड़े होते कभी रातें बड़ी होती है। अब्दुल गनी मेमन साहब, आप भी माशाल्लाह यहाँ पे कराची ताजिर एक्शन कमेटी के इस यहाँ पर आप एहतजाज में शामिल हैं, तो कुछ आप मुख्तसर कहना चाहेंगे सर? कराची एक्शन कमेटी को जो है वो मुबारकबाद दूंगा, और इनकी तकलीफ़ को देखते हुए सुबह 8 बजे से ये लोग बैठे हुए हैं। ये असल लीडरान जो है वो ये है, सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं और अभी आप देखें दूसरा दिन होता चला जा रहा है। इनके भी जो है वो घर बार है, मगर ये अपना घर बार छोड़ के उन ताजिरों के लिए खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को ये चाहिए कि खुदारा यहाँ आए, आके इन्होंने कोई इतना बड़ा आपसे सवाल नहीं किया, कोई आपसे कुछ मांग नहीं रहे, ये सिर्फ आपसे 2 घंटे का टाइम मांग रहे हैं, और एक छुट्टी जो है उसको जो है आप ख़त्म करके इस मामला को देखें। खुदारा इनके हालत आप देखें आके, ये रोज़े में भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए 2 दिन से। तो सिंध गवर्नमेंट से मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है कि खुदारा इस मामला को देखें, इन पे जो है आप इनके आगे रसाई अदा करें, इनको जो है इनको देखें और इनके लिए जो इनके दुख में शामिल हो, और जो मामला जो है वो 2 छुट्टी के इसमें 1 छुट्टी की जाए, और जो 2 घंटे का टाइम इन्होंने माला 8 से लेके 8 के वो जो है ख़त्म करके और 10 बजे तक टाइम दिया जाए। यानी पूरे सूबे में जो जो कानून नाफिज है तो यकसा एक कानून नाफिज किया जाए, जैसे आपने सिंध के अंदरूनी इलाकों में आपने 10 बजे का रखा है, और जो कराची जो फलता फूलता पूरे सिंध को चलाने वाला शहर है उसके लिए आपने 8 बजे का रखा है। बहरहाल ये दोहरा मेयार दोहरा कानून नहीं होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम।